हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कैसे एक सिंपल स्लीव्स को हम टर्न ऑन कर सकते हैं एक और अच्छी डिज़ाइनर स्लीव्स में। आप वीडियो पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी स्लीव्स का बॉटम वाला पार्ट। तो इसकी विड्थ कितनी है मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें जितना भी ज़्यादा कपड़ा विड्थ वाइज हो उतनी ही अच्छी इसकी फ्रिल बनेगी और उतनी अच्छी स्लीव्स बनेगी। तो ये विड्थ वाइज है, मेरी जो स्लीव्स हैं अराउंड 25 इंचज़। तो इसके बाद क्या करना है, आपको एक सेम का फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई हो 3 इंच और विड्थ तो उतनी हो जितनी आपने विड्थ रखी है अपनी स्लीव्स की, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका मिड पॉइंट लेके इसको अच्छे तरह से आपको आयरन कर लेना है, ठीक है। तो आयरन करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आयरन कर लेते हैं। तो आयरन करने के बाद आपको क्या करना है, जो मेन स्लीव्स है उसके बॉटम वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में 3-3 इंच के हम मार्क लगाएंगे। तो ये सबसे पहले हम मार्क लगा लेते हैं। तो मार्क लगाने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी ली थी इसको हमने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल के हमने इसमें मार्क लगा लेना है। 3 इंच लिया था तो 1.5 इंच इसका मिड पॉइंट आया, तो हम इसको स्ट्रेट एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी एक्स्ट्रा कपड़ा है और आपका जो मेन फैब्रिक है उसको अटैच करना है। तो जो आपने 3 इंच लिया था मेन फैब्रिक में और 1.5 इंच का मिड पॉइंट लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक में, उसको आपने सेम मतलब पोजीशन पे लाके आपको इसको क्या करना है, अटैच करना है। तो इसको अटैच कैसे करना है, बड़े बके के साथ। आपको नॉर्मल स्टिच नहीं करना बिकॉज बाद में हमें इसको उधेड़ लेना है। तो ये आपको इसमें चीज़ ज़रूरी है कि जो आपके मिड पॉइंट्स है दोनों मिलते होने चाहिए, दोनों ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाला मेन स्लीव्स का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि इसको स्टिच कर लेते हैं बड़े बके के साथ, ठीक है। तो ये सिंपली मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, स्टिच करके फिर मैं आपको इसको आगे बताती हूँ। तो अभी मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो अभी जो इलास्टिक मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ तो मैं नॉर्मली ले रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जितनी हमारी इलास्टिक की विड्थ है ना उस हिसाब से हम जो अपना मिड पॉइंट हमने मार्क किया है अपने बड़े बकी के साथ आप देख रहे हो, उसके हिसाब से दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे, मतलब मेन स्टिच हम लगाएंगे तो कि जो हमारी इलास्टिक है इसके बीच ईजिली इंसर्ट हो सके। तो चलिए अब हम इसको दोनों साइड से थोड़े थोड़े गैप के साथ हम इसको दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेते हैं, और स्टिच करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने बड़ी बकी के साथ स्टिच लगाया था इसको उधेड़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसको उधेड़ लेते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम सारा दोनों साइड से काट देंगे। तो उसके बाद देखिए क्या करना है कि जो ऊपर वाली फ्रिल है और नीचे वाला पार्ट है बॉटम स्लीव्स का, इसको पीको कर लेंगे। तो मैंने इसको देखिए पीको कर लिया है। तो पीको करने के बाद इसको अच्छे से प्रेसिंग कर लेना है, और प्रेसिंग करने के बाद हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो अभी देखिए इलास्टिक कितनी इंसर्ट करनी है, यहाँ पर भी आपकी मोहरी आती है, मतलब यहाँ पे भी इलास्टिक हमारी आती है, ठीक है, पूरी स्लीव्स में। तो वहाँ पे हम अपनी जो नॉर्मली इलास्टिक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको आपको ऑल अराउंड घुमा के देखना है, और उससे हमने आधा पौना इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करके इलास्टिक को हम दोनों साइड से इसको अपनी इलास्टिक को दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो आप मेरी और वीडियोस को भी देखना। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है सो मेक श्योर टू लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब एज वेल, बिकॉज देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो अभी आप देख सकते हो कि इसमें मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर ली है। तो साइड से इसको स्टिच कर देंगे, जैसे मैंने एक साइड से किया है ऐसे ही हम दूसरी साइड से कर देंगे, जितनी हमें इलास्टिक चाहिए उतनी, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों साइड से स्टिच कर दिया लास्ट का, आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी लुक निकल के आई है। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, इसको अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो स्टिच करने के बाद बस ऊपर से भी आपको गैदर्स डालनी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको रेडी कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर स्लीव्स। सो आप इस स्लीव्स को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।